नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कालसर्प दोष क्या होता है और इसका निवारण। प्रिय भक्तों, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप बिना जन्म पत्रिका के भी इन लक्षणों को पहचान कर जान सकते हैं क्या आपकी जीवन में भी है कालसर्प दोष, और अगर है तो इसका उपाय करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कालसर्प दोष के बारे में। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष हो या जिनके हाथ से जाने अनजाने में सर्प की हत्या हुई हो, तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो भी आप कैसे समझें कालसर्प दोष से आप पीड़ित हैं। कालसर्प दोष का पहला लक्षण तो यह होता है कि मेहनत करने के बाद भी आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कालसर्प का दूसरा लक्षण ये होता है कि आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें बार बार हानि होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों से ज़्यादा इंसान परेशान होता है और अकारण ही कलंकित होना होता है। तीसरा उपाय ये होता है कि संतान नहीं हो पाती। यदि संतान है तो उसकी उन्नति नहीं हो पाती। और कालसर्प दोष का एक सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि विवाह नहीं होता है या फिर वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त सा रहता है। कालसर्प दोष का सबसे बड़ा लक्षण ये भी माना जाता है कि आपको भयानक सपने आते हैं और सपने में आपको अधिकांश नाग नागिन दिखाई देते हैं या कोई काली स्त्री जो भयानक और रोते हुए दिखती हैं, तो समझ लीजिए आप कालसर्प दोष से पीड़ित हैं। सपने में आपको यदि मृत व्यक्ति सपने में कुछ मांगे तो यह भी कालसर्प दोष का एक लक्षण माना जाता है। कालसर्प दोष के बुरे प्रभाव से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भयानक सपने आते हैं। उसमें उन सपनों में अधिकांश देखा जाता है कि किसी व्यक्ति जो सपना देखता है वो अपने आप को अंगहीन होते हुए देखता है या फिर जल में डूबना, आप किसी जल में डूब रहे हैं या फिर ऊंचाई से आपको गिरते हुए दिखें, तो यह भी कालसर्प दोष का एक लक्षण माना जाता है। कालसर्प दोष का एक लक्षण मुख्य रूप से ये होता है कि गर्भपात या संतान नहीं होना आदि लक्षणों में से यदि कोई एक भी है तो आप कालसर्प दोष की शांति जरूर कराएं, क्योंकि आप कालसर्प दोष की शांति जितनी जल्दी करा लें उतना ही आपका भला होगा। तो प्रिय भक्तों, आपने जाना कि कालसर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं। अब हम आपको बताएंगे यदि आपको कोई ऐसा लक्षण नज़र आ रहा है तो आप कालसर्प दोष की शांति के लिए क्या उपाय करें। नाग पंचमी के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं, और नाग पंचमी के दिन करें या फिर सोमवार के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का चांदी का जोड़ा बनवाकर उनका पूजन कर उनको जल में प्रवाहित करें। यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप
एक पानी वाला नारियल लेकर उसको जल में बहाएं, इससे भी काल सब दोष से मुक्ति मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ भगवान शिव जी पर नाग नहीं हो, तो आप वहाँ पर शिवलिंग पर प्राण प्रतिष्ठा करवा कर नाग चढ़वाएं। एक और उपाय, चंदन की लकड़ी को आप बुधवार के दिन या फिर शनिवार के दिन शिव मंदिर में चढ़ाएं और भगवान शिव को चंदन और चंदन से बना इत्र जरूर चढ़ाएं, और नित्य चंदन का तिलक आप अवश्य लगाएं। और काल सब दोष से मुक्ति पाने का सबसे अचूक उपाय यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की पूजा आराधना करें। आप भगवान शिव को प्रत्येक सोमवार को पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान शिव को कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें, इससे काल सब दोष से मुक्ति मिलती है और आपका जीवन सुखी होगा। दर्शकों, ये थी कुछ काल सब दोष से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स कर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।